उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गंगापार थरवाई थाना क्षेत्र के खिवराजपुर गांव में शुक्रवार की रात एक ही परिवार की पांच लोगों की धारदार हथियार से हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, इस घटना के बाद से सियासी पारा भी तेज है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस पार्टी की एक डेलीगेशन ने प्रयागराज का दौरा किया, साथ ही शुक्रवार को मानव अधिकार से प्रार्थना की कि इस घटना पर मानव अधिकार आयोग संज्ञान ले व सख्त से सख्त कार्रवाई करे। संस्था के पास जो इस देश के एक एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग आए थे और ये उम्मीद हम लोग को था कि तत्काल ये लोग संज्ञान लेंगे। प्रयागराज में पिछले एक महीने में 30 हत्याएं हुई हैं। अगर इसका संज्ञान मानव अधिकार आयोग लेता है तो स्वाभाविक है कि प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की पुलिस पे दबाव पड़ेगा, वो कार्रवाई सही से करेंगे और जिन जिन लोगों के घर पे इस तरह की घटना बीती है उनको न्याय की उम्मीद कुछ बढ़ेगी। मगर आयोग के तरफ से जो प्रतिक्रिया शुरू में हम लोगों को मिली उससे हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं वो विषय से हम लोगों को दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे थे, बंगाल की बात करके। हम लोग आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के खेमराजपुर की घटना को लेके आए थे और सिर्फ उस पर माननीय आयोग का हम लोग निगाह चाह रहे थे। इच्छा ये थी कि उस पर अगर कार्रवाई हो तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के पूरे जो ये कानून का राज एक बार फिर स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो।